यस सर, आ रहा है सर। अच्छा, यस सर, यस सर। बस अब्दुल्ला कहेगा कि आप कभी मतलब कि हर एक क्लास में से सेक्शन में से एक बंदा कहे जो सी आ रहे ना, जो कंसर्न सी आ रहे, मतलब वो कहेगा सर नजर आ रहा है, तो इस तरह मतलब एक पैनिक भी क्रिएट नहीं होगा और आप सबको बात भी समझ आएगी। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप तकरीबन सब मुझे जानते हैं, मेरे स्टूडेंट रहे, एमएस में मैं भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हो कि मुझे नहीं जानते, तो मैं अपना थोड़ा सा तारुफ कर देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद और मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मैं इस सेमेस्टर में आपको मशीन लर्निंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले जिस तरह मैंने स्लाइड भी आपके साथ पहले शेयर की है और फिर मैंने अपना वॉइस जो है वो रिकॉर्ड किया था, उसमें मैंने आपको यही कहा था कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी काम को जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि यू हैव सम मोटिवेशन फॉर दैट वर्क और दैट टास्क। ठीक है कि आपको मत मतलब है कि अगर आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसके बैकग्राउंड पे आप किसी से इंस्पायर्ड हो या आपको एक मोटिवेशन हो, कि जिस मोटिवेशन की बुनियाद पे जब आप उस काम को स्टार्ट कर देते हैं तो फिर उसमें आपको एक जो है एक थ्रिलिंग सा और एक जज्बा सा महसूस होता है और उस काम को आप बहुत शौक से करते हैं। ठीक है, तो इसमें मशीन लर्निंग को स्टार्ट करने से पहले हम उस हम ये कवर करते हैं कि वाई वी आर गोइंग टू लर्न दिस सब्जेक्ट मशीन लर्निंग। इसका वाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको क्लियर करें, हम इसको क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, जब इसका वाई क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फिर आपको पता चल जाएगा कि इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, हाउ मच दिस सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। ठीक है, और इसको हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम मोटिवेशन पे बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि वो बेसिस ऑफ टाइम हम मोटिवेशन से कुछ ना कुछ आपको बताता रहूंगा। तो मैं आपको इतना कह देता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, चाहे आप डेवलपमेंटल साइड पे चले जाते हैं या आप रिसर्च साइड पे चले जाते हैं, ठीक है, तो इन दोनों दोनों के लिए, दोनों फील्ड के लिए मशीन लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप लेट्स सपोज एक बंदा कहता है कि बीएस, क्योंकि इस क्लास में बीएस के स्टूडेंट भी हैं, स्पेशली बीएस के स्टूडेंट बाज औकात ये अपने आप को इस बात पे तनख्वाह देते हैं कि बार बार क्यों मैसेज आ जाते हैं। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है एक टाइम हम स्पेसिफाई करते हैं कि इस टाइम में आप लेक्चर को ज्वाइन करें, क्योंकि बार बार कहीं के नोटिफिकेशन आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। आज तो खैर पहला दिन है लेकिन फिर जो है आप 4:20 तक जो है कोशिश करें कि आप लेक्चर को ज्वाइन करें, यानी इस सेशन को ज्वाइन करें, ताकि हमें फिर मसला ना हो, इंटरप्शन ना हो, क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन आता है तो इसे एक बीप की आवाज भी आती है और मतलब कि एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो हम मोटिवेशन की बात कर रहे थे कि सबसे पहले हमें चाहिए कि हमें इस सब्जेक्ट के वाई के बारे में पता हो कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं। तो मैंने आपको कहा कि अगर आप बीइंग अ स्टूडेंट, क्योंकि आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप मार्केट साइड की तरफ चले जाएंगे या जो है आप रिसर्च साइड की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, ये दो रास्ते हैं आपके पास या दो ऑप्शन है, तो या आप जॉब की तरफ चले जाते हैं, लेकिन स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंटल साइड एंड रिसर्च साइड। ठीक है, तो अब आपका जो डेवलपमेंटल साइड है ये भी इतना एडवांस हो चुका है कि यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मशीन लर्निंग टेक्निक्स। आप कन्वेंशनल टेक्निक से अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। लेट सपोज आप सर्चिंग करते हैं या आप एक रिकमेंडेशन सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, आप सर्चिंग करते हैं, गूगल का आप ले लें, यूजली आप गूगल ज्यादा यूज करते हैं, तो
तो इसलिए मैं आपको गूगल का कह देता हूँ। गूगल की जो सर्चिंग टेक्निक है, इससे पहले ये बेस्ड ऑन कन्वेंशनल टेक्निक, उसमें मशीन लर्निंग इतना इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन अब इसमें मशीन लर्निंग जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है। तो जो गूगल की जो सर्चिंग कैपेबिलिटीज है वो मशीन लर्निंग की टेक्निक्स के इनकॉर्पोरेशन से वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। आपको मतलब डिफरेंट सजेशंस मिल जाते हैं। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में या किसी इवेंट्स के बारे में या किसी भी नोट्स के बारे में आप सर्चिंग करते हैं, तो आपको सर्चिंग के बहुत सारे क्लस्टर जो है वो मिल जाते हैं। अगर आप एक लिंक को खोल देते हैं, तो उस लिंक में बहुत सारे ऐसे रिलेवेंट लिंक्स होते हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और आप आसानी से उन लिंक्स को जो विजिट कर सकते हैं। अभी आपको जो रिलेवेंट लिंक्स हैं वो किसके बुनियाद पे आपको मिल जाते हैं, यू आर यूजिंग सम मशीन लर्निंग टेक्निक, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक, जो क्लस्टर करते हैं रिलेवेंट डेटा को, और फिर वो आपको यहाँ पे सर्चिंग में आपको मिल जाते हैं। या गूगल से आप देखिए, आप जब किसी ट्रांसलेट करते हैं एक लैंग्वेज में से दूसरे लैंग्वेज में, आप किसी टॉपिक को या किसी पैरा को आप ट्रांसलेट करते हैं, तो आप उसकी उसकी ट्रांसलेशन क्रेडिबिलिटी आप देख लें कि वो कितने एक्यूरेसी के साथ आपके लिए ट्रांसलेशन करता है। जरूरी नहीं है, मैं नहीं कहता कि उसकी ट्रांसलेशन जो है 100% जो है वो करेक्ट है, लेकिन उससे तकरीबन मोर देन 60% या 70% आपको क्लू मिल जाता है कि इस पैरा के अंदर क्या है, ठीक है। या गूगल में आपको पता है कि आप कैमरा को यूज करके भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कोई आप कहीं किसी फॉरेन कंट्री में गए हुए हैं, स्पेशली ये जो कोरिया है या चाइनीज है या यूरोप में बहुत सारी कंट्री जो है इंग्लिश में, वहां पे इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो यू विल हैव टू स्पीक और यू विल हैव टू डील इन दैट लोकल लैंग्वेज, या फ्रेंच हो गया या जर्मन लैंग्वेज। तो गूगल ने इंटेलिजेंट कैमरा में उसके अपने ट्रांसलेशन में इतना इंटेलिजेंस डाला है कि वो जब आप किसी चीज का इमेज लेते हैं, उस इमेज में से जो टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट को टेक्स्टुअल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है और उसको ट्रांसलेट करता है। लेट्स सपोज वो लैंग्वेज है, जो टारगेट लैंग्वेज है, लेट्स सपोज जो टारगेट लैंग्वेज है वो स्पेनिश है या फ्रेंच है, और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो जब आप कैमरा उसके ऊपर लेके आते हैं, आपने दोनों को स्पेसिफाई करना होगा और यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो तकरीबन 70-80% जो है उस तरह आप चीजों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको गूगल की बात की, या आप डेवलपमेंटल साइट पे, आप वर्चुअल रियलिटी के साइट पे चले जाए, अगमेंटेड रियलिटी जिसको हम कहते हैं, या आप एंड्रॉयड पे चले जाए, एंड्रॉयड में आप जितनी भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं उन सारी एप्लीकेशंस के लिए जरूरी है कि यू हैव मशीन लर्निंग नॉलेज, ताकि आप अपने टेक्निक्स के अंदर एक्यूरेसी लेके आए। क्योंकि मेरे ख्याल में और मेरा जितना एक्सपीरियंस है और है भी इसी तरह, अगर आप सर्च करके देख लो आजकल के जमाने में, अगर आप कोई टेक्निक बनाना चाह रहे, ठीक है, डेवलपमेंट साइड की बात कर रहा हूँ, तो इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट एक्यूरेसी ऑफ ह्यूमन लेवल विदाउट मशीन लर्निंग। क्योंकि मशीन लर्निंग में हम ये बात करते हैं, मशीन लर्निंग है एक्चुअली क्या, मशीन लर्निंग में हम ये बात करते हैं कि हाउ टू रिप्लीकेट ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड टू मशीन, यानी हाउ टू रिप्लीकेट ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड योर एल्गोरिथम। आप कोई किसी एल्गोरिथम में किसी किसी भी एल्गोरिथम पे आप काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसमें इतना इंटेलिजेंस आ जाए जितना ह्यूमन में है, ये तो खैर दिस इज इम्पॉसिबल टू कंप्लीटली कॉपी ह्यूमन इंटेलिजेंस इनटू एनी एल्गोरिथम, बट यू आर ट्राइंग टू कॉपी सम ऑफ द इंटेलिजेंस इनटू दैट एल्गोरिथम, और ये काम आप मशीन लर्निंग अप्रोच के बगैर आप नहीं कर सकते। सिर्फ इतना आप समझ लें, इसकी इंपॉर्टेंस आप इतना समझ लें, और आप इतना समझे तो मेरे ख्याल में आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि वाई मशीन लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। ये तो मैं डेवलपमेंटल साइड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डेवलपमेंटल साइड में भी आपका सर्वाइवल जो है वो मशीन लर्निंग के बगैर नहीं है, और रिसर्च में तो इसके बगैर है ही नहीं, ठीक है। आजकल जितना भी रिसर्च होता है, चाहे आप टेक्स्ट
माइनिंग की तरफ चले जाए, आप वीडियो एनालिटिक्स की तरफ चले जाए, आप मेडिकल इमेजिंग की तरफ चले जाए, ठीक है, आप एंड्रॉइड साइट पे जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें जितना रिसर्च हो रहा है उस पे चले जाए, कैमरा पे चले जाए, मतलब एंटरटेनमेंट साइड पे चले जाए, आर्मी साइड पे, जो डिफेंस साइड है उस पे चले जाए, सिक्योरिटी साइड पे चले जाए, उन सब में मशीन लर्निंग के बगैर मुमकिन नहीं है, आजकल मुमकिन नहीं है कि आप, मतलब इस जमाने के में जो रिक्वायर्ड है आपको, आप मशीन लर्निंग को इनकॉर्पोरेट किए बगैर आप कोई एल्गोरिथम बना सके तो चल सके। अब जितने भी एल्गोरिथम बन चुके हैं कन्वेंशनल वेस, अब इसी जमाने में जितना है आप कंपटीशन के अंदर है तो वो मशीन लर्निंग के बगैर मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ इतना ही है ताकि आपको पता चले कि व्हाई मशीन लर्निंग इज इम्पोर्टेंट और मैं इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आगे जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें जो है, ये बार बार एक्स्ट्रा आ रहे। अच्छा, आप लोग कुछ स्क्रीन नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है सर। ठीक है, आप देखें आपको ये स्लाइड पे स्पेन नजर आ रहा है और जिसपे क्लास है, ठीक है। आप अगर अपनी ईमेल को खोल रहे या जीमेल यूज कर रहे हैं या हम यूज कर रहे हैं तो आपके पास एक कैटेगरी है स्पेम का, आपके बहुत सारे ऐसे ईमेल्स हैं जो स्पेम के अंदर चले जाते हैं। तो ये ईमेल वाले या ब्राउजर ने अपने ईमेल के अंदर ये कैपेबिलिटी इनकॉर्पोरेट की है कि जो भी ईमेल आते हैं तो वो ईमेल फिल्टर हो जाते हैं, उसमें एक फिल्टर है स्पेम का। अगर वो स्पेम ईमेल है तो वो स्पेम में चला जाता है, और वो स्पेम ईमेल नहीं है तो फिर वो प्राइमरी इनबॉक्स में चला जाता है, ठीक है। जी सर, आपने गूगल में, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, अपना स्क्रीन आपको नजर आ रहा है, देखिए ये प्राइमरी ईमेल है, सोशल है, प्रमोशन है, अब ये तो डिफरेंट कैटेगरीज में इसमें डिवाइड किया है। और सर नहीं नहीं दिख रहा है सर, स्क्रीन नजर नहीं आ रहा सर, स्लाइड नहीं दिख रहा है सर। नहीं स्लाइड नजर नहीं आ रहा, तो ये तो सर, मेरे बस सर आपकी प्रोफाइल है सर स्क्रीन पे। सर आ रहा है मेरा सर, ये तो शेयर है, मैंने आ रहा है स्क्रीन सर, पे, आ रहा है सर, ये देखिए स्क्रीन यहाँ पे पे सर। स्टॉप स्क्रीन है, सबको नजर आ रहा है वो, जी सर सर नहीं आ आ रहा रहा है। है यस सर, आ रहा सर, यस सर, यस यस नो सर, सर, नहीं नहीं आ आ रहा सर, रहा लास्ट लास्ट क्वार्टर की बात बात कर रहा करें, है। आप इस तरह करें कि अपने कैमरा को ऑफ करें, ठीक है, और एक अपने ऑडियो को ऑफ करें। जब आपको जरूरत हो तो आप तो वैसे भी मेरी बात सुनते हैं, जब मैं आपको कहूँ कि आप क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन के दौरान फिर आप अपने ऑडियो को वो ऑन ऑन करें, और ये जो मतलब एक्स्ट्रा नॉइज है वो नॉइज नहीं आएगा, तो आप आसानी से मेरे लेक्चर को सुन सकते हैं। नहीं हो यहाँ यहाँ से तो मैंने शेयर किया है, आप मुझे पता नहीं सर, यहाँ पे क्यों सब कुछ ऑफ है, म्यूट भी लगाया हुआ है, कैमरा भी ऑफ है, फिर भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ आपका सर प्रोफाइल नजर आ रहा है। स्क्रीन तो यहाँ पे, मैं फिर दोबारा स्टॉप कर देता हूँ, दोबारा शेयर कर देता हूँ, ठीक है, मैंने स्टॉप किया, अब इसको दोबारा शेयर कर देता हूँ। हाँ, अब मैंने शेयर किया दोबारा स्क्रीन को। सर अभी आ रहा है नगर सर अभी आ रहा है सर, सबको नजर आ रहा है, यस सर। अच्छा ठीक है, चलो आप स्लाइड की तरफ आ जाए, ठीक है। तो स्पेम क्या है कि आप, देयर इज अ कैपेबिलिटी इन योर ईमेल ब्राउजर दैट इट कैन फिल्टर द ईमेल्स के वेदर दिस ईमेल इज अ स्पेम ईमेल और नॉट अ स्पेम ईमेल, ठीक है। तो ये दिस एल्गोरिथम और दिस टेक्निक कंसिस्ट ऑफ सम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जो क्लासिफिकेशन करता है आपकी ईमेल का कि क्या ये ईमेल आपके पास स्पेम है या स्पेम नहीं है, ठीक है। अब ये काम किस तरह करता है, दिस इज अ नेक्स्ट फेज हाउ फेज है कि फिर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को लर्न करेंगे कि हाउ डज इट वर्क और हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह कोड कर लेते हैं। लेकिन अभी से आप कितना समझे कि दिस इज अ मशीन लर्निंग इंस्पायर्ड टेक्निक व्हिच क्लासिफाई योर ईमेल इन स्पेम और नॉट स्पेम ईमेल, ठीक है, समझ आई आपको। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट आप मशीन लर्निंग के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज मशीन लर्निंग, ठीक है, इसके डिफरेंट एग्जांपल्स क्या है। आप यहाँ पे देख रहे हैं,
मैं यहाँ एग्जांपल से स्टार्ट लेता हूँ, डेटा बेस माइनिंग है ठीक है, और ये एप्लीकेशन कैन नॉट प्रोग्राम बाय हैंड, और ये देख लें सेल्फ कस्टमाइज प्रोग्राम, यानी अमेजॉन है, नेटफ्लिक्स, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लर्निंग ब्रेन रियल एआई। मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, देखिए आपको समझाना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज मशीन लर्निंग, व्हाई मशीन लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। देखिए ये नेटफ्लिक्स प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन सिस्टम है, मतलब है कि आप नेटफ्लिक्स को यूज कर रहे हैं डिफरेंट मूवीज के लिए या उस पर जितनी भी वीडियोज आते हैं उसके लिए, तो आप जो मूवीज देखते हैं ठीक है, तो उसी के मुताबिक आपको रिकमेंडेशन आते हैं ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ कि आप मूवीज को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लेट सपोज आप थ्रिलिंग है, कॉमेडी है, फैंटेसी है, वॉर मूवीज है, हॉरर मूवीज है, डॉक्यूमेंट्रीज है, एनिमेटेड मूवीज है ठीक है ना, इस तरह के बहुत सारी कैटेगरीज हैं, या स्पोर्ट्स वीडियोज हैं, अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ, यूट्यूब की जो वराइटीज हैं वो बहुत ज़्यादा है। नेटफ्लिक्स को मैंने यूज नहीं किया तो इसलिए मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है, इसके रिकमेंडेशन सिस्टम के बारे में, लेकिन जनरली मुझे पता है कि व्हाट इज अ रिकमेंडेशन सिस्टम, हाउ डज इट वर्क और किस तरह काम करता है ठीक है। तो लेट सपोज आप कॉमेडी मूवीज के शौकीन हैं, आप कॉमेडी मूवीज देखते हैं, तो आपका अपना अकाउंट होगा नेटफ्लिक्स में, आप जिस तरह की वीडियोज देखते हैं तो आपको उस तरह के रिकमेंडेशन आ जाते हैं, ये वीडियोज हैं, वो वीडियोज हैं ठीक है। इस तरह आप फेसबुक पे जिस पोस्ट को आप ज्यादा लाइक करते हैं या जितनी वहाँ पे जितनी वीडियोज आते हैं वो आप देख लेते हैं, तो आपको पता होगा कि फिर उसी उसी टाइप के वीडियोज उसकी उसी टाइप के वीडियोज आपके पास आ जाते हैं। यानी आजकल अगर आप अर्तुगरल ड्रामा के सीन्स देखते हैं, मैं खुद यार अर्तुगरल ड्रामा के कुछ सीन्स आ जाते हैं तो मैं उसको देख लेता हूँ, तो फिर बहुत सारे ऐसे कि नोटिफिकेशन वीडियोज में अर्तुगरल ड्रामे की आ जाती है, जो भी लोग शेयर कर देते हैं तो उन्हें रिकमेंडेशन में आ जाता है कि आप देखो ठीक है। तो YouTube को ले लें, YouTube में देयर आर लॉट ऑफ आईडीज कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लें, तिलावत है, नात है, और भी बहुत सारी इस तरह की लेक्चर्स वगैरह है जो दीन के साथ रिलेटेड है या किसी भी मजहब के साथ रिलेटेड है, स्पोर्ट्स वीडियोज है, ड्रामाज है, मूवीज है ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे है ठीक है। तो वहां पे YouTube में आप जो वीडियो देखते हैं तो उसी के मुताबिक आपको रिकमेंडेशन आ जाते हैं। हाँ ये बात सही है कि इसका जो रिकमेंडर सिस्टम है वो इतना एक्यूरेट नहीं है, Facebook का भी इतना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि Facebook में मुझे खुद बहुत सारे इस तरह की वीडियोज आ जाते हैं तो मैंने उनको कभी देखे भी नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन में आ जाते हैं, या मैंने कभी क्लिक भी नहीं किया, मैंने उसको कभी लाइक भी नहीं किया, शेयर भी नहीं किया, या उसकी जितनी इमोशंस हैं किसी भी पोस्ट को लाइक करने में, या आप उसको लाइक करते हैं, लव करते हैं, आप एंग्री करते हैं, आप ला मतलब कि लाव करते हैं, फन इज अ फन आप इसको ले लेते हैं, या इस पर आप गुस्सा हो जाते हैं ठीक है, तो आप किसी भी जो है इमोशंस को क्लिक के बगैर आपके पास अगर कोई रिकमेंडेशन आ जाता है, इट मींस कि देयर इज सम मिस्टेक जो है, या देयर इज सम गैप इन दैट टाइप ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम, और ये पूरा रिसर्च एरिया है ठीक है। मैं अभी से आपको कह रहा हूँ कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रिकमेंडेशन सिस्टम तो बहुत ज्यादा काम है इस एरिया में। मैं आपको यूट्यूब का सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि यूट्यूब में जितनी भी वीडियोज हैं जब आप इसको अपलोड कर देते हैं तो आप उसको एनोटेशन कैप्शन बेस करते हैं, यानी आप उसको टाइटल देते हैं और फिर उसी टाइटल से आप अपलोड कर देते हैं। लेट सपोज उसमें गलती क्या हो सकती है, या इंटेंशनल या अनइंटेंशनल, ज्यादातर लोग इंटेंशनल गलतियां करते हैं, मतलब कि लोगों को गुमराह करने के लिए, इस तरह ही कहूँगा कि लेट सपोज आप वीडियो अपलोड करते हैं सॉकर की, फुटबॉल की, लेकिन नीचे आप लिखते हैं क्रिकेट ठीक है, या आप ड्रामा के बाद देखें लोग जो है जो ड्रामा बहुत शौक से देखते हैं तो उसका जो प्रोमो होता है अक्सर उस प्रोमो को जब देख लेते हैं तो प्रोमो को जब सर्च कर लेते हैं तो उस सर्च के बहुत सारी इस तरह की वीडियोज आ जाते हैं, उसके कंटेंट्स उसके साथ मैच नहीं करते लेकिन बच्चों डिफरेंट वीडियोज होते हैं ठीक है। तो ये क्यों,
ये इसलिए होता है कि इसका जो इंडेक्सिंग सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा गलतियां हैं। इसका जो इंडेक्सिंग सिस्टम है वो बेस करता है कैप्शन पे, नोटेशन पे, यानी जो टाइटल आप देते हैं उस पे बेस करता है, कंटेंट्स पे बेस नहीं करता। तो अभी भी काम इसमें कि आप कंटेंट बेस्ड, आप इसकी कंटेंट्स को एनालाइज करें, यानी आप देखें इसके अंदर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के जरिए हम कंटेंट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस पे काम किया हुआ है, यानी आप वीडियो के कंटेंट्स को एनालाइज करें कि आया ये सॉकर वीडियो है या ये ड्रामा है या ये कॉमेडी है, या आप एक सीन को क्लासिफाई करें कि सीन के अंदर कितने इमोशन है, या ये सीन जो है ये और इसमें गुस्सा है या इसमें क्राइंग है या इसमें लाफ है, फन है, या जितनी भी इमोशंस आपके पास होते हैं ना, इस इमोशन बेस पे भी आप जो है सीन को, करेक्टर्स को, डिफरेंट करेक्टर्स को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये जो अमेजान है इसमें भी इसका भी अपना एक रिकमेंडर सिस्टम है। आप जिस चीज को या इस पे सर्च करते हैं या आप देखते हैं, ठीक है, या खरीदते हैं, ठीक है, तो उस बेस पे आपको रिकमेंडेशन आ जाते हैं। आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे आ जाए, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आपने गूगल की बात की, गूगल ट्रांसलेशन की, गूगल ट्रांसलेटर इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और इस पर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है कि आप टेक्स्ट को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में प्रोसेस कर सकते हैं। सपोज आप अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी चाइनीज के साथ शेयर कर रहे हैं और आपने डॉक्यूमेंट जो है इंग्लिश में लिखे हैं या पश्तो में लिखे हैं या उर्दू में लिखे हैं, एंड यू हैव डेवलप्ड सम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम व्हिच ट्रांसलेट योर लोकल लैंग्वेज इनटू अ टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज कैन बी चाइनीज लैंग्वेज, कैन बी फ्रेंच लैंग्वेज और कैन बी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन का सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो है आपकी आंखें, ठीक है, योर विजन इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन विजुअल परसेप्शन। और मशीन लर्निंग में हम ये काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कंप्यूटर विजन में कि हम ह्यूमन विजुअल परसेप्शन को रिप्लिकेट करें मशीन के अंदर। आप समझ आ रही है ना, देखिए मैं इसको दोबारा कह रहा हूँ। कंप्यूटर विजन क्या है? अगर आप अपना विजन अगर आप अपना विजन देखें तो आपका विजन जो है, ठीक है, वो काम कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर विजन। और कंप्यूटर विजन के अंदर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर विजन के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम ह्यूमन विजुअल परसेप्शन को, जिस तरह ह्यूमन देखता है, इसका ह्यूमन विजुअल परसेप्शन जो है वो काम कर रहा है बिल्कुल उसी तरह जो है कंप्यूटर विजन काम करता है। ह्यूमन विजुअल परसेप्शन आपके देखने का भी परसेप्शन है, ठीक है, आप चीजों को किस तरह रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आप जब सड़क पे जा रहे हैं तो जब आपको हर्डल्स आ जाते हैं, ऑब्स्टिकल आ जाते हैं, हाउ यू अवॉइड द ऑब्स्टिकल एंड यू आर प्रोसीडिंग। जब आप क्लास के अंदर आ जाते हैं तो आप देखते हैं कि चेयर कहाँ से खाली है और आप अपने खाली चेयर पे बैठ जाते हैं, आप ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे जो चीजें लिखी हैं उसको आप अंडरस्टैंड करते हैं, आप मेल फीमेल को जो है रिकॉग्नाइज करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। आप फ्रूट में बहुत सारे फ्रूट पड़े होते हैं, आपको अगर पीका कहता है कि इसमें आम की तरह, यू कैन डिटेक्ट, ठीक है, और आप रिकॉग्नाइज करते हैं और आप वहां से उठा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के इसको हम कहते हैं कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन जो है बहुत वास्ट फील्ड है, ठीक है, बहुत हार्ड एरिया है और इसमें रिसर्च की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, ठीक है। मैं आपको सिंपल वीडियो एनालिटिक्स की तरफ आ जाते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार की तरफ आ जाते हैं। यानी आप अगर सेल्फ ड्राइविंग कार को डेवलप करते हैं तो इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर विजन एंड स्केलर सेंसर जो होते हैं, टू टाइप के सेंसर जो होते हैं ना, एक आपके पास होता है स्केलर सेंसर और दूसरा होता है विजन सेंसर। विजन यानी आंख के कैमरा क्या करता है, कैमरा ऑब्स्टिकल को, ट्रैक को, ठीक है, और बहुत सारी चीजों को एनालाइज करता है, उसको डिटेक्ट करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो जब आप
सेल्फ ड्राइविंग कार पे काम करते हैं, हमारे दो तीन स्टूडेंट काम करते हैं, एक जो है वर्चुअल रियलिटी के अंदर सेल्फ ड्राइविंग कार पे काम कर रहा है यूनिटी के अंदर, कि किस तरह आप यूनिटी के अंदर या एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर एक कार को मशीन लर्निंग बेस यानी उसके अंदर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को इनकॉर्पोरेट करें, और वो किस तरह ट्रैक को रिकॉग्नाइज करता है, किस तरह ऑब्स्टिकल को रिकॉग्नाइज करता है, उसको अवॉइड करता है, ठीक है। तो फिर आप और दूसरा स्टूडेंट काम कर रहे हैं रियल एनवायरनमेंट में टाई कार, टाई कार के अंदर हमने विजन सेंसर भी डाला है, कैमरा भी है उसके अंदर, उसके अंदर कुछ स्केलर सेंसर भी है जिसको अल्ट्रासोनिक सेंसर कहते हैं, यानी वो डिस्टेंस बता देता है कि ऑब्स्टिकल और कार के दरमियान कितना डिस्टेंस है, और विजन क्या करता है वो ट्रैक को रिकॉग्नाइज करता है, डिफरेंट साइंस रूट को डिटेक्ट करता है और रिकॉग्नाइज करता है, जैसे आप गाड़ी को चला रहे हैं और आगे आगे एक टर्न आ रहा है, यू टर्न आ रहा है, या आगे स्टॉप का निशान आ रहा है, क्या आप आगे आ रहे हैं, क्या आप अपनी स्पीड को शो करें, या इस तरह के बहुत सारे जो ड्राइविंग में सिंबल यूज हो रहे हैं वो आ रहे हैं, तो यू कैन रिकॉग्नाइज ऑल दोस साइंस यूजिंग कंप्यूटर विजन टेक्निक्स एंड यू एंड कंप्यूटर विजन यू इनकॉर्पोरेट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू मेक योर एल्गोरिथम मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। तो आप आपको समझ आ रही है। अच्छा, ये ऑटोनॉमस हेलीकॉप्टर देंगे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ मशीन लर्निंग, you make it more intelligent incorporating machine learning algorithm with plus of computer vision. Maybe computer vision be actually is based on machine learning algorithm. Yani vision ko aap kis tarah intelligent banate hain using machine learning algorithm. Hand writing recognition aap A likhte hain, ek A jo hai aap 200 tarikon se likh sakte hain. Aap machine ko intelligent banate hain jab wo A dekhta hai it recognize that this is A, ठीक है। आप इसको डिफरेंट तरीकों से लिखते हैं, लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ध्यान देंगे, दिस इज ए, दिस इज ए, ठीक है। और ये लिखाई नजर आ रही है आपको? हेलो सर, आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। देखिए मैंने, देखिए आप इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ, इस तरह भी लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आप मतलब है कि 200 तरीकों से आप ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह मशीन या कैमरा या जो स्कैनर होता है वो किस तरह इसको रिकॉग्नाइज करता है, बिकॉज यू ट्रेन द एल्गोरिथम, ठीक है, जिस पे आपका मशीन काम कर रहा है, आपका स्कैनर काम कर रहा है, आपका कैमरा काम कर रहा है, तो देन इट मेक इट कैपेबल टू रिकॉग्नाइज दिस थिंग, ठीक है, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, ठीक है। ऑटोनॉमस हेलीकॉप्टर की बात ऑलरेडी हो जाती है, ऑटोनॉमस हेलीकॉप्टर एंड ऑटोनॉमस कार वर्क ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। कि उसमें भी आप विजुअल कैमरा, विजुअल सेंसर जो कैमरा होता है और स्केलर सेंसर जो होते हैं उसको आप कंबाइन कर देते हैं और उसके अंदर आप इंटेलिजेंस डालते हैं यूजिंग मशीन लर्निंग, ठीक है। डेटा माइनिंग, बिग डेटा, अगर मैं बात करूँ बिग डेटा है, ठीक है, आजकल जो बिग डेटा का कंसेप्ट है, अगर मैं आप में से किसी से पूछूं तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट इज बिग डेटा, हाँ आप में से कोई बता सकता है, आपसे पूछ रहा हूँ, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज बिग डेटा? सर बहुत ज्यादा डेटा, उसको उससे मतलब मीनिंगफुल डेटा निकालना। पहले आप मुझे बिग डेटा का एग्जांपल लेके, बिग डेटा का कोई भी एग्जांपल प्रैक्टिकल अपने डेली लाइफ से, अपने उस लाइफ से जिसके अंदर आप होते हैं उसमें से आप मुझे बिग डेटा का एग्जांपल। सर अगर लाइब्रेरी हम ले लें, लाइब्रेरी सर ये पिक्चर हो गई, ये वीडियो हो गई, या जिस तरह की पोस्ट हो गई, ये सब। मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको अगर इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करूं तो मैं आपको कहूंगा, आपके आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, जो स्मार्टफोन है, ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ बिग डेटा। मैं आपसे लेट्स सपोज पूछ लेता हूँ, आप किसी सेशन के अंदर सपोज आप किसी सेशन के अंदर 40 स्टूडेंट है या 50 स्टूडेंट है, अब 50 स्टूडेंट में से मेरे ख्याल में हर स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। आप रोज कितनी तस्वीरें लेते हैं, ठीक है, आप वीडियोज बनाते हैं, आप में से बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं अपने स्टेटस को
अपडेट कर देते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस अपडेट अपलोड कर देते हैं, सोशल मीडिया से वीडियो डाउनलोड कर देते हैं, पिक्चर डाउनलोड करके फिर उसको आगे शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बिग डेटा। अब आप मुझे बताएं कितने लोग हैं दुनिया में और हर एक के पास स्मार्टफोन है और कैमराज है, वो कितने वीडियोस बनाते हैं और कितने वीडियोस अपलोड हो जाते हैं सोशल मीडिया में या यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर पे, व्हाट्सएप में, ठीक है। तो इन वीडियोस को किस तरह मैनेज किया जाए, ठीक है। अब मैं आपको पता है जब आप व्हाट्सएप में किसी वीडियोस को या किसी पिक्चर को अपलोड कर देते हैं तो उसकी क्वालिटी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि दे आर एक्चुअली मैनेजिंग द आर्काइविंग सिस्टम ऑफ द व्हाट्सएप। अब टेराबाइट के लिहाज से जो है पाकिस्तान में मेरे ख्याल में अगर हम सिर्फ पिशावर ले लें और पिशावर के व्हाट्सएप यूजर ले लें तो मेरे ख्याल में टेराबाइट के हिसाब से लोग व्हाट्सएप को पे वीडियोज अपलोड करते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। तो इस वीडियो कॉल को किस तरह मैनेज किया जाए, क्या ये इतना डेटा कहाँ पे से होगा, ठीक है। इतने बड़े बड़े सर्वर, ठीक है, इनका मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाएगा। और ये सहूलत आपको मुफ्त में ये प्रोवाइड कर रहे हैं ये फेसबुक वाले, ठीक है। एक्चुअली दे आर मैनेजिंग, दे आर आर्काइविंग डेटा यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम और सम पहले तो कन्वेंशनल टेक्निक्स थे लेकिन नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू मैनेज दिस ह्यूज ट्रैफिक विद अ सिंपल कन्वेंशनल एल्गोरिथम। इट नीड्स सम सॉर्ट ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, एल्गोरिथम बेस्ड ऑन सम डीप लर्निंग deep features for which you will have to replicate human intelligence and machine. तो किस तरह डेटा को मैनेज करे, आर्काइव करे, उसकी क्वालिटी भी जो है कम से कम डिस्टर्ब हो, ठीक है, और वो जगह भी कम घेर सके और अब बहुत ज्यादा डेटा को बहुत कम स्पेस में मैनेज कर सके, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जो आप जैसे किसी स्टूडेंट ने बताया कि आपके पास बहुत सारा डेटा हो उसमें से आप मीनिंगफुल डेटा निकाल रहे, दिस इज आल्सो अ बिग डेटा। अब मैं आपको इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा एलाबोरेट कर देता हूँ। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आपके पास वीडियो स्ट्रीमिंग हो रही है, लेट्स सपोज हम इस्लामिया कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं। इस्लामिया कॉलेज में हमारे पास स्मार्ट यूनिवर्सिटी है, मतलब कि बहुत इवन 200-250 के करीब कैमरा लगे। अब जो है यू कैन मैच दैट कैमरा मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन करें तो हाउ टू मेक इट मोर इंटेलिजेंट, लेट्स सपोज द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज इंटरेस्टेड टू हाईलाइट सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज विच कंसिस्ट ऑफ लेट्स सपोज फाइटिंग, सम इलीगल अनएथिकल गैदरिंग, सम अनएथिकल एक्टिविटीज, ठीक है, जो विच इज यूजुअली जो होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाती है। आपको पता है स्ट्राइक हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, स्टूडेंट एक दूसरे के साथ झगड़ा कर सकते हैं या हरासमेंट हो सकती है, ठीक है ना, इस तरह की। आप आपका यूनिवर्सिटी है लेकिन आपका जो कैमरा है वो सिर्फ देखता है, स्ट्रीमिंग करता है, ठीक है। आप देखें कितने कैमरे हैं, कितने स्ट्रीमिंग करते हैं, कितना ट्रैफिक जनरेट होता है, ठीक है। तो ठीक है, आप इसको किस तरह मीनिंगफुल बनाया जाए, only to stream the meaningful information and aap is tarah ki information stream kare jo meaningful ho, jo jispe actionable intelligence ho, yani actionable intelligence, aisa streaming kare jiske base pe wo action le, theek hai, yani jab koi ladai ho tab aap streaming kare, theek hai, koi is tarah ki activities ho tab aap streaming kare, baki aap streaming na kare, बाकी जब अगर आपके पास स्ट्रीमिंग की एक्टिविटीज ना हो रही हो तो आप स्ट्रीमिंग ना करें, ठीक है। तो यूजिंग डेटा साइंस एल्गोरिथम, कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम, यू कैन मेक इट मोर इंटेलिजेंट और आप यू कैन रिड्यूस द ट्रैफिक साइज, द ट्रैफिक, ठीक है, बाय ओनली सेंडिंग द एक्शनेबल इंटेलिजेंस, नॉट सेंडिंग द गार्बेज। अब एक कोई है भी नहीं और मतलब आपका कैमरा जिस तरह स्ट्रीमिंग करता है सिर्फ पार्क की या दरख्तों की तस्वीरें जो है आगे फॉरवर्ड करता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इतना काफी है, इससे हम जितना भी बहस करें मतलब ये खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे मैं आपको कहता हूँ कि अगर मैं आपको मशीन लर्निंग पे बात करूँ
और ये तो अपने इख्तिताम तक भी पहुंचेगा, लेकिन आप कितना समझेंगे कि सर मशीन लर्निंग और सिर्फ मशीन लर्निंग, बाकी अगर मैंने मशीन लर्निंग नहीं पढ़ा तो माई सर्वाइवल इज नॉट डिफिकल्ट बट इम्पॉसिबल इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, वेदर यू आर गोइंग टुवर्ड डेवलपमेंटल साइड और यू आर गोइंग टुवर्ड सम रिसर्च साइड, रिसर्च साइड तो इसके बगैर मुमकिन ही नहीं है, आप कोई भी आर्टिकल उठाए ना, वेदर यू आर वर्किंग इन नेटवर्किंग और वर्किंग इन सम डेटा माइनिंग टेक्निक्स और डेटा बेस और टेक्स्ट माइनिंग, वीडियो एनालिटिक्स, मेडिकल इमेजिंग, ठीक है एटसेट्रा, ठीक है ऑटोनोमस कार में जिस तरफ आप चले जाते हैं तो मशीन लर्निंग के बगैर आपका सर्वाइवल जो है ना वो नहीं, तो देयर फॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और आपने इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है कुछ चीजें हम क्लास के अंदर कवर करेंगे, कुछ चीजें आपने खुद कवर करना है, बट यू हैव टू स्टार्ट योर स्टडी अबाउट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड, ठीक है आज से और आज से आगे आपने बहुत ज्यादा इसको पढ़ना है, एंड आई विल शेयर सम यूजफुल मटेरियल विद यू ऑन एलएमएस एंड थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है अगर आपको कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क योर क्वेश्चन थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है यहाँ पे भी आप कर सकते हैं अगर पॉसिबल है यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है अब बताए आपका कोई क्वेश्चन है किसी का मशीन लर्निंग के मोटिवेशंस के बारे में, इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में है कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। जी सर जी जो ऑटोनोमस हेलीकॉप्टर है तो इसको एक्सप्लेन करें जी, इसका मतलब क्या है? जी ऑटोनोमस हेलीकॉप्टर यानी आप हेलीकॉप्टर को जो है ऑटोनोमस, मैं ऑटोनोमस मीन सेल्फ ड्राइविंग, जिसमें ह्यूमन नॉट तक भी होता है, जिस तरह आपके पास ये ड्रोन होते हैं, ड्रोन नहीं होते जो तो बगैर ह्यूमन के चलते हैं, ठीक है तो ऑटोनोमस मीन टू मेक इट ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक ठीक है ये बगैर ह्यूमन की भी हो सकता है, या इसका मतलब ये हो सकता है कि एज मच एज इंटेलिजेंस, आप इसके अंदर जो है एज मच एज इंटेलिजेंस डाले जिस तरह ह्यूमन के अंदर है, ह्यूमन लेट सपोज मैं आपको कह देता हूँ कि आप बाजार जाए और मैं आपको कुछ अमाउंट देता हूँ और मैं आपको कहूँ कि आप एक फ्रूट फरोश के पास जाए शॉप के पास और वहां से आप मैंगो ले गया, ठीक है तो देखिए यू आर ऑटोनोमस, आई जस्ट गिव यू इंस्ट्रक्शन इन सम अमाउंट एंड यू वेंट देयर एंड यू पिक द मैंगो, ठीक है और उन्होंने अगर दुकान वाले ने कोशिश की कि आपको ऑरेंज दिए या आपको पीच दिया मैंगो की जगह, तो फौरन आपने बता दिया कि दिस इज नॉट मैंगो, मुझे मैंगो दे दे, मैंने पीच का नहीं ना, ठीक है तो यू आर ऑटोमेटिक मीन यू हैव सम इंटेलिजेंस, ठीक है ना, तो हाउ टू मेक हाउ टू रेप्लीकेट सच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड टू हेलीकॉप्टर व्हाट एवर द लेवल, ये कोई भी लेवल हो सकता है, जाहिर ही बात है कंप्लीटली ऑटोमेटिक नहीं हो सकता, सेमी ऑटोमेटिक हो सकता है, इट कैन बी ऑटोमेटिक अप टू सम लेवल, ठीक है ना कुछ लेवल्स होते हैं पास चीजें इसके ऑटोमेटिक होती है, जिस तरह हेलीकॉप्टर के अंदर आप जो आर्मी हेलीकॉप्टर होते हैं उसमें ये चीज ऑटोमेटिक है कि वो अपने टारगेट को सिमुलेट करता है, अपने टारगेट को रिकॉग्नाइज करता है और उसको हिट करता है, और इसकी ड्राइविंग ऑटोमेटिक नहीं है, अरे ड्राइविंग ड्राइविंग के लिए ह्यूमन बैठा है लेकिन टारगेट की इसकी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिकली वो टारगेट को देखता है उसको फोकस करता है एंड देन हिट द टारगेट, सो यू कैन से दैट माय हेलीकॉप्टर इज ऑटोमेटिक इन टर्म्स ऑफ हिटिंग द टारगेट, ठीक है इस तरह दे सकते हैं। अच्छा और शाबाश और कोई क्वेश्चन हो? सर ये न्यूरल, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सर देखिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज एक तो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है एक नेचुरल लैंग्वेज, उर्दू पश्तो इंग्लिश स्पेन जर्मन स्पेनिश ठीक है अरबिक, ठीक है ये सारे नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है हाउ अब देखिए डिफरेंट के रिक्वायरमेंट हो सकते हैं, तब एक और भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल ऐसा ऐसा एप्लीकेशन बता रहा हूँ जो आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है, लेट्स सपोज आप फ्रांस चले जाते एप्पल टावर चले जाते,
ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, वहां पे आप कुछ खरीदना चाहते हैं, यू कैन ओनली स्पीक इंग्लिश, ठीक है, यू कैन नॉट स्पीक स्पीक फ्रेंच. आप किसी दुकान के पास गए, ठीक है, तो मुझे आप ये बताएं, मैं अगर आप आपसे काउंटर क्वेश्चन करूँ, हाउ टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन, ठीक है, तो जाहिर बात है योर आंसर मस्ट बी सर देयर मस्ट बी सम ट्रांसलेटर एंड बिटवीन मी अ मीडिएटर बिटवीन मी एंड दैट पर्सन. तो ये जो मीडिएटर है, अब इस मीडिएटर अगर ये पर्सन है, ये तो पर्सन हो गया, लेकिन हाउ टू रेप्लीकेट द क्वालिटी ऑफ दैट मेडिएशन एंड टू मशीन. तो आप एक ऐसा मीडिएटर लेके आए जो इन दोनों लैंग्वेज को प्रोसेस करे, एक दूसरे में कन्वर्ट करें, ठीक है. तो गूगल ट्रांसलेटर ले ले, गूगल ट्रांसलेटर द सैम्पल एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है. और इस तरह बहुत सारे हो सकते हैं. आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आप टेक्स्ट में से पोलैरिटी निकालते हैं, टेक्स्ट है उसके अंदर आप देखते हैं कि इसके अंदर क्या पोलैरिटी है, किसी ने गम की बात की है, खुशी की बात की है, सियासत के मुतालिक है, किसी मूवी के मुतालिक है, ठीक है. तो यू कैन मेक दिस योर मशीन दैट के वो पैरा को प्रोसेस करें और उसमें से पोलैरिटी निकालें, उसमें से इमोशन निकालें. या अगर मैं आपको एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल दे दूँ, जो लास्ट ईयर इमरान खान जब गए थे ये जनरल असेंबली में, तो वहाँ पे जो अमेरिका का जो थिंक टैंक था, ठीक है, वो थिंक टैंक या किसी भी कंट्री का जो थिंक टैंक होता है, वो आप बहुत कम टाइम में डिसीजन करता है, ठीक है. और वो कहता है कि अब जो अमेरिका के जो अवाम है, द सिटीजन ऑफ अमेरिका, व्हाट दे आर सेइंग अबाउट इमरान खान और मोदी एंड अदर इंटरनेशनल लीडर, ठीक है, सो दे कैन एनालाइज, दे कैन कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द ट्विटर, ठीक है, एंड दे कैन एनालाइज यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. बट दीज नेचुरल लैंग्वेज दिस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक मस्ट बी बेस्ड ऑन सम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. उसे एनालाइज करें, उसमें से इमोशंस निकाले, उसमें से डिसीजन निकाले कि लोग क्या कहते हैं, ठीक है, लोगों के ख्याल, लोगों की राय दिया है, सही है, आगे जाओ. यस सर, यस सर, ठीक है. अब आ जाते हैं मशीन लर्निंग के इंट्रोडक्शन की तरफ, डिफिनेशन की तरफ. लेट्स लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ. अभी हमने मशीन लर्निंग इतना पढ़ा, ठीक है, शायद आपने बीएस में भी पढ़ा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या अगर एमएस की स्टूडेंट है तो उन्होंने बीएस में पढ़ा होगा. तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि आप अपने अल्फाज में मशीन लर्निंग को डिफाइन करें, अभी तक आपका जितना नॉलेज है उसी उसके नॉलेज बेस की बुनियाद, तो आप किस तरह इसको डिफाइन कर सकेंगे? शाबस, आपने से कोई एक बंदा बताए. शाबस सर, जब हम एक मशीन को किस तरह इंसान के जहन के मुताबिक उसको बना दे कि वो इंसान की तरह सोचे भी, इंसान की तरह काम भी करे और इंसान की तरह सब कुछ करे. माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब आप समझ गए. जी सर, मैं समझ गया. बिल्कुल यही मशीन लर्निंग है, यानी आप किसी तरह एक एल्गोरिथम या एक टेक्निक के अंदर कम से कम इंटेलिजेंस डालो. कम से कम से मेरा मतलब ये है, जाहिर बात है इंसान का जो मशीनी सिस्टम है, जो आर्टिफिशियल इंसान का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, वो तो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड है और अल्लाह ताला ने बनाया है ना, इसलिए अल्लाह कहते हैं और खालक इंसान की अहसन तकवीम, मैंने इंसान को बेहतरीन इंसान के लिए पैदा फरमाया. और आप देखिए इसका जो सिर्फ इंटेलिजेंस सिस्टम है, उसका अभी तक किसी ने 10% या 20% भी मशीन के अंदर रिप्लिकेट नहीं हुआ. कितने भी आप रोबोट्स देख ले, पार्शली कुछ ना कुछ वो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंट हो गए, या जो हिलन मुस्क उसके की क्या है, वो काम कर रहे हैं, टेस्ला वाले सेल्फ ड्राइविंग के काम कर रहे हैं, जापान के अंदर बहुत सारे लोग रोबोटिक्स के काम कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर इमोशंस डाल रहे हैं, इंटेलिजेंस डाल रहे हैं, इतनी इंसान की तरह परफेक्ट नहीं बना सकते, कोशिश हो रही है, ठीक है. तो बस यही एक कोशिश है, हाउ टू रेप्लिकेट ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड मशीन, ठीक है. और ये मतलब कम से कम, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जो जितना काम हो रहा है कम से कम बात हो रही है.
अब देखिए, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं, ये देख ले, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। ये दो डिफिनेशन है, एक है फील्ड ऑफ स्टडी कैन यूज कंप्यूटर द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामड। अच्छा, मुझे आप में से कोई बताएगा कि व्हाट डज इट मीन ऑफ दिस एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामड, क्या मतलब है इस एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामड, कोई आप बता सकते हैं, कोई आप में से बता सकता है? सर ये एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम से, एक्सक्यूज मी सर, इसका क्या मतलब है? मतलब कि सर ये एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम से ये मतलब है सर, जो हमारे पास ऑलरेडी जो कंप्यूटर है वो हमने ऑलरेडी प्रोग्राम किए होते हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए सर। तो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम की बात मतलब ये है कि हमारे पास ऐसा मशीन जो एक्सपीरियंस से सीखता हो, जो हमने प्रोग्राम नहीं किया हो सर, वो जो एनवायरमेंट में उसमें ऑलरेडी फिट होती है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बस मेरा यही एक्सप्लेन, यानी कि वो अपने एक्सपीरियंस से सीख ले। देखिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपने एक एल्गोरिथम बनाया जो मैंगो को रिकॉग्नाइज करता है। किसको रिकॉग्नाइज करता है? मैंगो को। अब लेट्स सपोज आपने राटोर पे और लंगड़ा पे इस तरह के डेटा सेट पे आपने इसको ट्रेन किया, ठीक है। मतलब 100 इमेजेस पे या 100 इमेजेस पे आपने इसको दिखाया कि ये जिस तरह बच्चे को दिखाते ये मैंगो है, ये मैंगो है, ये मैंगो है, ठीक है। अब कोई और मैंगो, मतलब कि चुनसा में से आपने एक मैंगो उठा के लेके आया और कैमरा के सामने रख दिया, तो उसने अंडरस्टैंड किया, लर्न किया कि दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ मैंगो, ठीक है। तो मशीन लर्निंग के अंदर हम प्रोग्रामिंग इस तरीके से कर लेते हैं कि वी डोंट प्रोग्राम इट एक्सप्लिसिटली फॉर ईच एंड एवरीथिंग, वी प्रोग्राम इट फॉर सम डेटा, ठीक है ना, वी ट्रेन इट फॉर सम डेटा और उस डेटा पे हम इसको ट्रेन करते हैं और जो प्रेडिक्शन हम करते हैं उस प्रेडिक्शन के लिए डेटा इज नॉट कम फ्रॉम द ट्रेन डेटा, इट इज सम अदर डेटा, इसको हम टेस्ट डेटा कहते हैं, ठीक है। तो इस लफ्ज का मतलब है एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। अब नीचे डिफिनेशन की तरफ आ जाए। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेड टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ई विद रिस्पेक्ट टू सम टास्क टी एंड सम परफॉर्मेंस मेजर बी, इफ इट्स परफॉर्मेंस ऑन टी एज मेजर्ड बाय बी इंप्रूव्स With experience भी, ठीक है। यानी इसका सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। आपको मैं एक किताब देता हूँ, ठीक है, और मैं आपको यही कहता हूँ कि आप इस किताब को पढ़ें और बाद में इस पढ़ने के बाद मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगा, उसमें उस सवाल को आपने आंसर करना है। आपने किताब को एक दफा पढ़ा और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, आपने 4 क्वेश्चन का सही जवाब दिया। फिर मैंने आपको कहा दूसरी दफा पढ़े, दूसरी दफा पढ़ने के बाद आपने 6 सवाल का सही जवाब दिया और इस तरह तीसरी दफा के बाद आपने 8 और जब आखिर में आपने तकरीबन सारे क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। तो आप देखिए, ठीक है, टास्क आपका किया है किताब पढ़ना, ठीक है, परफॉर्मेंस आपका किया है क्वेश्चन को सही आंसर करना, और एक्सपीरियंस आपका किया है एक दफा पढ़ना, दूसरी दफा पढ़ना, तीसरी दफा पढ़ना एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या होता है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम भी बिल्कुल इसी तरह होता है, ठीक है। वो जितना आप ट्रेन करते हैं, जितनी सैंपल से आप उसको ट्रेन करते हैं, एक टाइम इस तरह आ जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एक्यूरेसी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। 100% एक्यूरेसी भी मुमकिन है बाज औकात, ठीक है, लेकिन जितना टास्क आपका कॉम्प्लिकेटेड होता है तो फिर उसी के लिहाज से एक्यूरेसी भी मतलब है। मतलब कि एक सिंपल टास्क के एक टास्क ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक टास्क में आप 2 ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं और एक टास्क में आप 1000 ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो दूसरा टास्क बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा ना। पहले टास्क में शायद मशीन की एक्यूरेसी 100% हो, लेकिन पहले टास्क में, लेकिन दूसरे टास्क में 100% एक्यूरेसी शायद मुमकिन नहीं है, ठीक है, या है लेकिन आप कह सकते हैं 98% है, 95% है, 100% मुमकिन नहीं है, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सपोज योर ईमेल प्रोग्राम वाज व्हिच ईमेल यू डू और डोंट मार्क स्पैम एंड बेस्ड ऑन दैट लर्न्स हाउ टू बेटर फिल्टर स्पैम, व्हाट इज द टास्क टी इन दिस सेटिंग, ठीक है। तो इस टी में क्या है, टास्क कौन सा है, यहाँ पे मार्क क्या हुआ है उन्होंने,
क्लासिफाइंग ईमेल इज अ स्पैम और नॉट स्पैम, और एक्सपीरियंस में क्या है, वॉचिंग यू लेवल ईमेल स्पैम और नॉट स्पैम, यानी वॉचिंग जो देखने की है, जो देखने का काम है, यानी आप नतीजे आप ईमेल को करने का, तो आप ईमेल को स्पैम करते हैं या नहीं करते, यानी वही जो आपकी परफॉर्मेंस है। मतलब इस दफा आपने 4 ईमेल आए और 4 में से आपने कहा कि 3 ईमेल जो है कि वो स्पैम है और एक नॉट स्पैम है, बट एक्चुअली उसमें से 2 ईमेल स्पैम थे और 2 नॉट स्पैम थे। ठीक है, तो दिस इज योर एक्सपीरियंस। ठीक है, अच्छा, द नंबर ऑफ ईमेल करेक्टली क्लासिफाइड स्पैम और नॉट स्पैम, दिस इज इक्वली परफॉर्मेंस। ठीक है, यानी आपने आपने जिस तरह मैंने आपको बुक का एग्जांपल दिया, चलो यहाँ पे स्पैम की, लेट्स सपोज आपने 8 ईमेल आए और 8 ईमेल में तकरीबन 5 ईमेल आपके पास थे स्पैम और 3 ईमेल आपके पास नॉट स्पैम थे, लेकिन आपने तकरीबन इनमें से 5 क्लासेस को करेक्टली क्लासिफाई किया और बाकी 3 को आपने करेक्टली क्लासिफाई नहीं किया। यानी एक स्पैम था, आपने उसको नॉट स्पैम बताया, और दूसरा नॉट स्पैम था लेकिन आपने उसको स्पैम बताया, इस तरह कुछ आपने कहा। ठीक है, तो ये जो करेक्शन की जो रेशो, आपकी जो एक्यूरेसी है, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस। यानी ये विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल रेट ये इम्प्रूव होता है, और ये किस तरह इम्प्रूव होता है ये हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और हमारा काम ये है, हम ये सब चीज़ किस लिए पढ़ रहे हैं, ताकि हम आने वाले लेक्चर में ये चीज पढ़ें। अच्छा, एक और चीज मैं भूल गया लेक्चर के दौरान, वो ये था कि मटेरियल हम पढ़ेंगे कहाँ से, ये स्लाइड मैंने कहाँ से उठाई। देखिए, ये स्लाइड मैंने उठाई एंड्रयू एजी, मशहूर एक बहुत ज्यादा रिप्यूटेड और पायनियर में से है एंड्रयू एजी, मशीन लर्निंग के हवाले से बहुत ज्यादा मशहूर बन रहा है। ठीक है, और बहुत सारे खिदमात में उनकी ये लेक्चर्स मैंने खुद अपनी पीजी में भी कोर्सेरा पे पढ़े थे, और उनकी ये लेक्चर्स अवेलेबल है, नेट पे भी अवेलेबल है, उनकी वीडियो भी अवेलेबल है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप मुझसे सही नहीं कोई कोई टॉपिक जो है आप मुझसे सही नहीं समझे, तो यू कैन आल्सो लिसन और वॉच, यू कैन वॉच एंड्रयू एजी लेक्चर्स। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं उनका एक्सेंट। अब पहले इनिशियली यू विल फील सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड हिज एक्सेंट, बट यू कैन ऑन द सबटाइटल इफ देयर इज सबटाइटल। ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बी हैबिटुअल और आपको बहुत मजा आएगा। उनके बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, 10 मिनट के, 11 मिनट के, 15 मिनट के, 8 मिनट के। ठीक है, हर टॉपिक पे अलग अलग, तो वो वीडियोज भी मेरे पास है, और मैंने आपके क्लास पीसीआर को कहा भी है को अपने सीनियर से ले, या अगर सीनियर्स के पास नहीं है तो मुझसे ले ले। यू कैन विजिट माय ऑफिस इन पर्सन और लेव इन पर्सन एंड यू कैन टेक ऑल दिस सॉर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सीनियर्स हियर इन लाइन। ठीक है, सीनियर अवेलेबल नहीं है तो मैं तो अवेलेबल हूँ, आप मुझसे भी ले सकते हैं। इसके अलावा बुक्स भी मैं LMS पे अपलोड करूँगा, LMS पे भी जरूरी है, और आई कैन ऑल्सो शेयर इन व्हाट्सएप ग्रुप, आप वहां से भी आप उठा सकते हैं। ठीक है, द पर्पस ऑफ दिस सब्जेक्ट और हमारा ऑब्जेक्टिव जो है, एक पर्पस और एक ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। पहले मैं ऑब्जेक्टिव को समझ, ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इस सब्जेक्ट को समझें। ठीक है, और इसका जो है इसके लिए हमने जोर लगाना है, कोशिश करना है। ठीक है, इसमें आप बिल्कुल ना शर्मा, यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब जाहिर बात नहीं मशीन लर्निंग के हवाले से क्वेश्चन हो, आप इस तरह क्वेश्चन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन डजंट मीन दैट यू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई मीन एनी टाइप इन साइड इन डोमेन ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, तो आप उसके अंदर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, यू कैन आर्ग्यू, यू कैन मैक डिस्कशन। ठीक है, तो इट विल बी ऑलवेज वेलकम, आई फील हैप्पी व्हेन समबडी आस्क क्वेश्चन। ये मेरे जो इंटरेक्टिंग है, मेरे इंटरेक्टिंग जो टेम्पो उसको इम्प्रूव करता है, जितना स्टूडेंट मेरे साथ इन्वॉल्व होते हैं उतना मेरे लेक्चर्स के अंदर जो है वो निखार आ जाता है, मुझे अच्छा लगता है, और मेरा लेक्चर भी जो है इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि
true and ask different type of question. ठीक है, next slide पे चले जाते हैं, फिर lecture को end करते हैं इंशाल्लाह। फिर कल इसी time दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन क्लास होगा वेंसडे और थर्सडे को, क्योंकि वेंसडे पे क्लास नहीं हुआ, इसलिए कल क्लास ले लेते हैं। ठीक है, मतलब कि हम स्टार्ट लेंगे 4:25 से। अभी की बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, बट आई एम अनेबल टू एक्सेप्ट ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर मैं रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने पे लग जाऊँ तो फिर यहाँ चेक करते होंगे। ठीक है, अब देखते हैं ना बार बार क्यों 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 की आवाज आती है। ठीक है, तो प्लीज आप सब जो है आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 4:25 जो है आप अपने आप को जो है रजिस्टर करें या ज्वाइन करें। आप मुझे बताएं, मैंने 4:25 बताया, आप क्या कहते हैं कौन सा टाइम होना चाहिए? सर ये 2 बजे सही है सर, 2 से 2:30 तक, 2:30 तक सर। ना क्लास तो क्लास हम स्टार्ट करेंगे 4 पे ना, 4 से स्टार्ट करते हैं, 2 की बात नहीं कर रहा, 4 की 4 क्लास की बात कर रहा। सर समझ नहीं आ रही सर। देखिए क्लास अभी क्या टाइम है? सर 4:25 सही है। हाँ तो अभी 4:15 है ना, इससे मेरे क्लास को हम स्टार्ट करते हैं 4 बजे। ठीक है, तो इसे मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ ज्वाइनिंग के लिए, यानी मैं यही कहता हूँ कि 4:25 तक ज्वाइनिंग का टाइम होगा, फिर उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए 4:25 के बाद आप स्टूडेंट को कहें, अगर आप 4:25 तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो फिर आप ज्वाइन ना करें। ठीक है, फिर आप किसी स्टूडेंट से वीडियो ले या इस तरह कुछ करें। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? यस सर, ठीक है, सही है सर। क्लास होगी वेंसडे को और थर्सडे को, लेकिन कल क्लास होगी क्योंकि बहुत ज्यादा क्लास मिस हो चुके हैं ना, तो कल क्लास होगी और फिर नेक्स्ट वीक में क्लास होंगे वेंसडे को और थर्सडे को। सही है सर, कल भी क्लास होगी सर? हाँ कोशिश, हाँ कल क्लास ले लेंगे। ठीक है सर, तो कल तो हमारी दूसरी क्लास है सर, इंटेलिजेंट नेटवर्क की, किसी सर इंटेलिजेंट एंड एक्टिव नेटवर्क की सर। किसके साथ है और किस टाइम है सर? और डॉक्टर सर सर बात के साथ है सर, 2 बजे क्लास स्टार्ट होती है और 5 या 6 बजे तक होती है सर, तो कल तो मुश्किल है सर। बस कल आप ऐसा कर ले वीडियो कल क्लास वाला देख ले, और फिर वेंसडे और थर्सडे को क्लास होगी, बस फिर आप वो अटेंड कर लिया करें। लेकिन ये लेक्चर तो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ एलएमएस पे ना, लेकिन वो इतना इंटरेस्टिंग तो नहीं हो सकता ना, बाद क्वेश्चन वगैरह इस तरह होते हैं कि सर फिर अभी भी हमारे तकरीबन एमएस के 10 बंदे इस तरह है कि मैसेजेस कर रहे हैं कि वो लिंक दोबारा क्लिक कर रहे हैं और वो हमारे साथ ज्वाइनिंग नहीं हो रहे। हां ज्वाइनिंग मैं यहां पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना, मैं यहां पे इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि फिर तो क्लास सारा ज्वाइनिंग में चला जाएगा और कुछ बात नहीं होगी। ठीक है सर, तकरीबन 1 घंटे से वो बार बार जो है ना ग्रुप में मैसेजेस कर रहा है कि मैं ज्वाइनिंग का कोई मुझे ज्वाइनिंग की एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और अब इस तरह आप इस तरह करें, आज जो स्टार्टिंग लेक्चर था कल क्लास ले लेते हैं। आप अपने सर से कहें कि सर क्लास कल हम मशीन लर्निंग का क्लास ले लेते हैं और नेक्स्ट टाइम जो है फिर हम हमारा रूटीन सही हो जाएगा, तो आप सारे स्टूडेंट्स को बताएं। ठीक है सर, वो सीआर बात कर लेगा, सीआर सर से बात कर लेगा, फिर आपसे भी कांटेक्ट कर लेगा सीआर। ठीक है सर, लेकिन क्लास जरूर ले लेते हैं, ये दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, और ये सर अगर आपसे बिक्री हो जाए तो फिर तो कोई मसला नहीं है ना, तो वो से सीआर साहब खुद बात कर लेंगे, वो आपसे फिर बता देंगे, हमारा सीआर जो है अब्दुल्ला वो आपको बता देंगे। ठीक है सर। और सर एक मसला और है सर। जी जी बताएं सर, ये जो क्लास टाइमिंग है सर, ये टाइम टेबल के लिहाज से मतलब जो 2 PM है वो सही नहीं है सर, 4 बजे या 4:30 पे जो स्टार्ट होती है, तो डेफिनेटली 5:30 तक या 6 बजे तक जारी रहेगी सर। हाँ मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि यहाँ पे 3 o'clock यहाँ लाइट चली जाती है यूनिवर्सिटी में। ठीक है ना, तो इसलिए कहता हूँ अगर 2 बजे हम स्टार्ट करें तो फिर इंटरप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे इंटरनेट सोर्स अदर सोर्स इतना स्ट्रांग नहीं है कि जिसपे मैं आपका मतलब है कि ये मीटिंग वाला लेक्चर कंटिन्यू कर सकते, तो इसलिए हमने एमनेस्टी बहुत बहस की, अब्दुल्ला आए थे, और इससे ये नतीजा हमने ये अखज किया कि हम 4 बजे क्लास स्टार्ट करें और ये जितना आगे जा सकता है। स्टूडेंट 2 दिन लेंगे क्लास, 2 दिन, ठीक है 2 दिन क्लास लेंगे, तो अगर 2 घंटे हो सकता है, देखिए हमने कोर्स कवर करना है, कोशिश करते हैं कि हम जो बेसिक मशीन लर्निंग चीज है ना वो हम समझे,
ताकि फिर अगर आप खुद भी पढ़े आपको कोई मसला नहीं। ठीक है, तो तकरीबन 12-13 लेक्चर जो है, 14 लेक्चर तो बेसिक लेक्चर में आ जाते हैं। ठीक है, ये हमें और ये बहुत बड़े बड़े लेक्चर हैं, ये हम इस तरह अगर हम इसको हम टाइम नहीं देंगे तो फिर अगर खाना पूरी करना है तो कुछ तुम यहाँ पे आके गपशप लगाते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब इसलिए मैंने आपको, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तो फिर तो हम गपशप के टाइम गुजारे तो अच्छा है। ठीक है, फिर तो आप स्लाइड से, मैं आपको इस तरह स्लाइड दे देता हूँ, रटा लगाए और आगे फॉर करें। ठीक है, मैट तो फाइनल टर्म दे। ठीक है, लेकिन अगर आप बात समझने की है और आप चीजों को समझना चाहते हैं, that involve mathematics, you will have to derive equations, ठीक है, और you will have to implement those equations. आपने उन equation को फिर code करना है, MATLAB के अंदर code करना है, Python के अंदर code करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप फिर समझे। अगर आप इस equation को नहीं समझ सकते तो how can you replicate that equation into code, translate, how to translate that equation into MATLAB coding or Python coding, आप नहीं कर सकोगे। ठीक है, और दूसरी बात है, जब आपके फार्मूला बनाते हैं तो फार्मूला आप अपने अंडरस्टैंडिंग से बनाते हैं, आपको जब चीज की समझ जाती है तो यू फार्मूला, और फिर जब फर्दर समझ जाती है, आपकी एक्सपर्टी होती है, तो यू देन यू ट्रांसलेट योर फार्मूला इनटू कोड एंड द कोड डज वर्क इन द फॉर्म ऑफ मशीन। ठीक है, तो मशीन काम करता है, मशीन तो कोड पे काम करते हैं ना। ठीक है, कोड क्या होता है, कोड आपका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, आपका अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो ये इसलिए जरूरी है, ये चीजें जरूरी है। ठीक है, अब आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, और मैं इसलिए कहता हूँ कि लेक्चर थोड़े शॉर्ट शॉर्ट हो तो फिर वो अपलोड भी हो सकेंगे आसानी से। आप यहाँ पे सही नहीं समझे तो आप लेक्चर को दोबारा उस लोकेशन को या उस पोजिशन पे लेके आए जहाँ पे आपको समझ नहीं आई, वहां से दोबारा पढ़े तो आपको आसानी हो जाएगी। तो 2 दिन मेरे ख्याल में सही है, 2 दिन सही है, 4 to 5:30 बिल्कुल ठीक है सर, जैसे आपने बताया सर, ऐसा ही ठीक है सर। हफ्ते में 2 क्लास लेंगे, वेंसडे को और थर्सडे को, और यही टाइमिंग होगा, और उसके साथ आप सर वीडियो को लेकर रिकॉर्ड भी कर लिया करो, और ऐसा इंटरेक्टिव सेशन, ये बिल्कुल सही है सर। ये कोई और क्या कह रहा है, कोई और है कुछ कहना चाहता है? सही है सर, ये टाइम ठीक है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर क्या करते हैं, कल से हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग की कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा कि सुपरवाइज लर्निंग की क्या एग्जांपल्स हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग की क्या एग्जांपल्स हैं, और किन किन सिचुएशन में हमने किस तरफ किस कैटेगरी को अडॉप्ट करना है अपने प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए। ठीक है, और फिर अगला जो होगा फिर बाकायदा हम स्टार्ट लेंगे मॉडल रिप्रेजेंटेशन की तरफ चले जाएंगे, और फिर बाकायदा मशीन लर्निंग का आगाज हो जाएगा। सही है? यस यस ठीक है, अब क्या करते हैं, अब स्टॉप करते हैं, शेयरिंग को स्टॉप कर देते हैं और अपने लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, अगर किसी का मसला हो या कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। ओके सर, थैंक यू। Okay, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Tomorrow you will have to come anytime, okay? And you also you must have to inform your friend that they complete the joining process till 4:25, that we properly start the class from 4:25 onwards. Right, sir. Okay, thank you. Jazakallah. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام سرشتہ گلاڑو لڑو لڑو اگر سرشتہ سبورو لڑو لڑو اگر کمپیوٹر ویژن انجینئر مخکاری حبیبا ما کیان کلا کنا سلطان سر لاڑو شتا الگ سر لاڑو حبیبا کمپیوٹر ویژن